आपको टोमेटो सूप अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आज खास हमारे पास तो कुछ नहीं बचा। सूर्यकांत का इलाज कैसे करवाएंगे? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे मुरारी, अब तेरा ही सहारा है। पचास लाख कहीं ना कहीं से इन रुपयों का इंतजाम तो करना ही होगा। सब ठीक हो जाएगा, इस तरह चिंता करना बंद करो। कहां से आएंगे इतने पैसे? ना कोई उम्मीद ना जॉब। सरस्वती, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा होना ना होने के बराबर है। कितना बदनसीब हूं मैं। चीजू, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप अकेले नहीं हैं जीजू, सब आपके साथ हैं। क्षितिज, हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्षितिज, हम सब मिलकर बापूजी को जल्द से जल्द ठीक करेंगे। ओ, एक आदमी के पीछे इतना उदास होने की क्या जरूरत है? अरे मेरी जान, हमारे धंधे में तो आदमी आते जाते रहते हैं, धूल उड़ाते रहते हैं। छोड़ो, क्यों एक के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? जिसे आना हो आ जाएगा। लेने आई हूँ? मैं अपने बेटे युवराज से मिलने आई हूँ। वो कहाँ है? ओहो, आज बड़ा प्यार उमड़ रहा है अपने बेटे पर। वो घर में नहीं है, मुझसे कहो क्या कहना है। युवराज के बापूजी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने कहा है कि इलाज तुरंत हो जाना चाहिए और इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए जो हमारे पास नहीं। पैसों का तुरंत इंतजाम हो जाना चाहिए। मैं युवराज से अपने पति की जिंदगी मांगने आई हूं। मैं अपने बेटे से उसके बापूजी की सलामती और उसका साथ मांगने आई हूं। मैं अपने बेटे को उसका फर्ज याद दिलाने आई। सीधे सीधे क्यों नहीं कह देती कि भीख मांगने आई है? वही हो ना जो अपने पति के लिए अपने बेटे को छोड़कर चली गई थी, और आज जब वक्त आया है तो अपने बेटे की याद आ गई, आ गई झोली फैलाने अपने बेटे के दरवाजे पर। ये अच्छी कही मेरी जान, आज अपने पति के लिए पैसे मांगने आई है, कल कुछ और मांगने आ जाएगी। परसों कहेगी आके इस घर में रहती हूँ। देखा रसीली भाई, ये होते हैं बड़े लोग, अपनी जरूरत पड़ने पर किसी के भी
पैर पड़ने से नहीं चूकते। जिनके प्राणों की भीख मांग रही है ना, याद है ना रसीली बाई, कैसे उसने हमारी बेइज्जती की थी। चाहे वो आज मरे या कल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चिल्लाओ मत। ये मत भूलो कि आज तुम हमारी चौखट पर आई हो, और वो भी एक भीख मांगने वाले की हैसियत से। चली जाओ यहाँ से, तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी इस घर से। निकल जाओ यहाँ से। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो कजरी, बिल्कुल सही। मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो मैं यहाँ चली आई। मैंने फिर से तुम लोगों से, अपने बेटे से इंसानियत की उम्मीद चाही। अपने बेटे को अपनी बेटियों से फिर से मैंने ऊपर रखा। एक माँ के लिए कितनी बड़ी गलती है, ये मेरी गलती ही तो है, गलती है मेरी। मैंने अपने बेटे को अपने खून से सींचा है, उस बेटे से अपने सिंदूर को बचाने की उम्मीद रखना, कितनी बड़ी गलती है ये। बिल्कुल सच बोल रही हो तुम। मिंका मिंका मिंका, तुम कैसे भूल सकती हो कि वो बेटा अब तुम्हारा बेटा नहीं रहा, बल्कि एक बाजारू औरत की पल्लू से लटकने वाला चाबी का छल्ला बन चुका है। बहुत बड़ी गलती है ये। बात एक बात याद रखना, मेरे पति तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेंगे, बल्कि मैं मेनका गरोड़िया तुम्हारी बेइज्जती करेगी। एक बार नहीं, 100 बार। जब जब तुम मेरे सामने आओगी ना, तब तब मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगी कि तुम दो कौड़ी की बाजारू औरत हो, एक अच्छे घर की बहू बनने के लायक ही नहीं हो। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मेरा बेटा अपना फर्ज अदा नहीं कर पाया, तो मेरी बेटियां अपना फर्ज अदा करेंगी, अपने बाबूजी को बचाएंगी, मेरा सुहाग सलामत रहेगा। हम लोग तुम लोगों के मोहताज नहीं हैं। मेनका, क्या हुआ बोलो तो। मेरा दिल घबरा रहा है, बताओ क्या हुआ। मेनका बहन, रोइए मत, पहले बात क्या है वो तो बता दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ। मैं अपने पति की ऐसी हालत देख नहीं सक रही थी, इसलिए मैं युवराज के घर उससे मदद मांगने चले गए। माँ, मैंने एक बार फिर अपने बेटे को अपनी बेटियों से बड़ा समझा। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन माँ, आप बताइए मैं क्या करती। मुझसे अपने सुहाग की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैं अपने औलाद के सामने हाथ फैलाने उसके घर चली गई। तो
तुम सब बेटियां मुझे माफ कर दो। सावित्री बहन मुझे माफ कर दो। मेरी चार चार लायक बेटियां होने के बावजूद भी मैं उस नालायक बेटे युवराज से मदद क्यों मांगने गई? छोटी माँ प्लीज चुप हो जाइए। देखिए आपने जो कुछ भी किया वो बापूजी के लिए किया है ना? छोटी माँ इतना हक तो बनता है बेटे पर माँ का। आपने कुछ गलत नहीं किया। आप इस तरह मत रोइए छोटी माँ प्लीज। छोटी माँ हम सब है ना आपके साथ। बस आशीर्वाद दीजिए छोटी माँ कि बहुत जल्द बापूजी को हम पहले की तरह ठीक कर देंगे। बस तुम्हारे बापूजी जल्दी से ठीक हो जाए। कैसी हालत देख नहीं सकती माँ। नहीं देख सकती, नहीं, नहीं देख सकती। पता नहीं लक्ष्मी तुम मुझे माफ करोगी या नहीं। क्या हो गया था मुझे? क्यों मैंने तुम्हारी बात पे यकीन नहीं किया? जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा या मेरे परिवार का कोई कसूर नहीं। क्यों नहीं सुनी मैंने अपने दिल की आवाज जो मुझे बार बार यही कहती रही कि तुम सच कह रही हो और मैं तुम्हें दुख देता चला गया। तुमसे जुड़ा ये शादी का रिश्ता मैं तोड़ दूंगी। जान तुम्हें देंगे ओ रब दी कसम यार, रब दी कसम दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। इंसाफ कर दो, चोट तुम्हारे पाप ने मेरे परिवार को पहुंचाई है ना, इतना ही कर, उसका हिसाब तुम्हें चुकता करना होगा लक्ष्मी। मैं तुम्हें पल पल मारूंगा। ऐसे ऐसे खेल खेलूंगा कि तुमने और तुम्हारे बाप ने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तुम्हारे साथ इतना बुरा करने के बावजूद भी तुमसे अच्छे की उम्मीद कर रहा हूं लक्ष्मी। कितना सेल्फिश होता है ना आदमी, वो चाहे जितनी मर्जी गलती कर ले, जो चाहे कर ले, फिर भी अपनी पत्नी से यही उम्मीद करता है कि वो उसे माफ कर दे, उसके किए हुए पर पर्दा डाले, उसकी हर गलती को नजरअंदाज करे। कितना मतलबी होता है आदमी। क्या है करण, तुम्हारी आंखों में फिर से आंसू? ये दुख के आंसू नहीं दीदी, आज मुझे पहली बार आशा की किरण दिखाई दी है। सच में दीदी बहुत खुश हूं आज मैं। जानती हो दीदी, मेरे कहने से डॉक्टर मुंबई से यहां आकर बापूजी को देखकर गए हैं और उन्होंने पॉजिटिव जवाब भी दिया है, लेकिन एक बात की टेंशन है। उनका एक्सपेंसिव इलाज, उनका एक्सपेंसिव इलाज।
एम श्योर मैं इसका भी कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगा। और मुझे यह भी यकीन है कि आज नहीं तो कल लक्ष्मी मुझे अपनी जिंदगी में वापस शामिल कर लेगी। जिसने पति होने का फर्ज निभाना तो दूर, हमेशा उसकी जिंदगी में कांटे बिछाए, फिर भी मुझे यकीन है अपने प्यार पर कि वह बहुत जल्द वापस आ जाएगी, अपने घर मेरे पास। क्या हुआ मां, कुछ गलत कहा मैंने या कुछ गलत करने जा रहा हूं? मां, मां, दीदी क्या हुआ मां को? मां मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है? दीदी मैं खुद जाके मां से पूछता हूं। करण, आप रो क्यों रही हो? बोलो मां, क्या बात है मां, बताओ मुझे, बोलो मां। मां आप जानते हो मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। मां बोलो। कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे और लक्ष्मी के बारे में सोच के परेशान हूं। सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से तुम्हारा हंसता खेलता घर उसने से पहले ही उजाड़ दिया। बस इसी बात को लेकर उदास थी। मां अब आप अपने बेटे से भी झूठ बोलोगे? सच बताओ क्या बात है, बोलो मां क्या बात है? ये क्या है मां? डिवोर्स पेपर्स? लक्ष्मी मुझे डिवोर्स